विकास खंड रामपुर मथुरा के लालापुरवा जो है प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो है बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं कि किस तरह पहुँचे हैं। पहले हम इनसे रसोइयों से बात कर लेते हैं। नाम क्या है? राजकुमारी। क्या बना आज? तहेड़ी। तहेड़ी बना? क्या क्या डाली थी तहेड़ी में? तहेड़ी में सारी सामान पड़ी है, प्रधान दी है। अच्छा अच्छा, खाना बनता किसके अंडर में? कौन? बहुत बढ़िया बनाते हैं खाना यहाँ पे। टीचर के द्वारा बनता है या प्रधान बनवाते हैं? प्रधान बनाते हैं। प्रधान के द्वारा बनता है। तो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो वो आता है, जो सोयाबीन है, आलू है और भी फ्रूट्स आते हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ की मैडम लेके चली जाती है? नहीं नहीं नहीं, हाँ सब चीज़ है। ऐसा कुछ होता नहीं है? अच्छा, कुछ हम नहीं ले जाते हैं इस समय पर, यहाँ कुछ नहीं ले जा रही। जांच इस पर अभी सब सही चल रहा है, लेकिन देखते हैं। सर लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी सर टीचर हैं यहाँ के? जी। और सर नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, सर ये बताइए कि अच्छा, ये गांव क्षेत्र अगर देखा जाए बिल्कुल गांजरी क्षेत्र है, गांजर का विद्यालय है। शिक्षा व्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे आगे तक ले जाया जाए? हमारा प्रयास तो यही है कि बच्चे पहले तो रोज़ाना आने चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। रोज़ाना बच्चों को घर पे सूचना देते हैं, फ़ोन करते हैं, बच्चों से खबर भिजवाते हैं, मतलब जो भी हमसे बन पड़ता है समय से हम कर लेते हैं। और अगर देखा जाए कि हमारे के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, शायद देखा जाए, हाँ हाँ, ये गरीब के बच्चे हैं और गरीब के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो सरकार पैसा दे रही है, जानकारी मिल रही थी कि जो हम मैडम है वो कभी कभार आती हैं मन मर्जी के मुताबिक, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो लोगों की आप मन की बात है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो ऐसे किसी की बात आज आई है मैडम? मैडम मैडम आती है, जब बीमारी होती है तो सीएल ली जाती है प्रॉपर तरीके से, तो अभी वो टीचर कितने सर यहाँ पे? कुल 3 लोग हैं। अच्छा जी, देखते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे खाना खा लिया? क्या खाया? तहरी। तहरी बढ़िया अच्छी बनी थी जी। देखते हैं यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। और मैम नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या होगा मैम आपका? अनुपमा। मैम ये जानकारी मिल रही थी, लगातार मिल रही थी, तो हमने सोचा कि हम एक बार आपसे जो है बात करें। मैम जानकारी मिल रही थी कि आप यहाँ पे विद्यालय कभी कभार आती हैं और ऐसी भी बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी मैडम, क्या क्या बात थी ऐसी? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप बच्चों से बात कर लीजिए, हम आपसे जानकारी मैम करने आए हैं। अगर हम नहीं आते हैं तो बच्चे सबसे अच्छा बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल, मतलब और कोई बात हम कह ही नहीं सकते। मान लीजिए हम आपको कहें आप ही नहीं आती तो क्या आप बताएंगे? तो आप बच्चों से ही बात कर लीजिए, बच्चे ही बता देंगे हम आते हैं कि नहीं आते। मैम अच्छा एक सवाल है, सरकारी प्राथमिक जितने विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, सरकार बहुत सारे पैसा खर्च कर रही है भोजन के लिए कि बच्चे भोजन अच्छा सा पाएं, मैम शिक्षा व्यवस्था को कैसे जो है ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे इनको प्रेरणा मिले सर? शिक्षा व्यवस्था को भोजन के लिए तो भाई दे रही है, प्रधान बनवाते हैं हमारे यहाँ, और जो कुछ अवेलेबल होता है बहुत अच्छे से बनाया जाता है, साफ सफाई से सुथरे से बनाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे? शिक्षा में हम लोग ग्रुप बना करके और बहुत अच्छे से सुधार करवाते हैं कि जो बच्चे बेसिक लेवल के हैं, जो जिनको अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान वाले पे जो मात्राएं हैं उनको मात्राएं सिखाते हैं, और जो किताबें पढ़ लेते हैं उनका ग्रुप अलग करके फिर अलग अलग सिखाते हैं। हेड आप? और हमारे यहाँ 3 अध्यापक हैं, हम भी सहायक ही हैं, और हेड हम हेडमास्टर यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए हमें इंचार्ज का वरिष्ठ के मतलब उस पर डेट ऑफ बर्थ के नाते, वरिष्ठ के नाते सौंपा गया है। बच्चों के लिए दूध वगैरह फ्रूट्स वगैरह तो आज बटा है, आप थोड़ा पहले आई होती तो दूध बच्चे पीते मिलते। नहीं नहीं, हम लोग निकल रहे थे और जानकारी मिल रही थी तो हमने सोचा आज मैम मिल ही गई हैं, आज हम बात ही कर लेते हैं। सब चीज़ें देखी ही हैं, और थोड़ा सा व्यवस्था ये है कि गाय भैंस आकर आ जाते हैं और बाहरी लोग आके नल वल तोड़ जाते। टोटल बच्चे कितने मैम? टोटल हैं 140 हो गए इस समय। समथिंग डेली कितने आ जाते होंगे? डेली मैम 100 के ऊपर आ जाते हैं, 110, 112, कभी 100, इतनी संख्या आ जाती है डेली। और आज के दिन एक गांव के बच्चे वो जो शेर निकला है ना, इस चक्कर में नहीं आए हैं। नहीं, इसको भी देखना चाहिए क्योंकि हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है मैम, बार बार नल तोड़ जाते हैं हर चार। अब ये शाम के समय गांव के द्वारा मतलब ग्रामीणों के द्वारा, अब जिसके भी द्वारा तोड़ा जाता है क्योंकि बाउंड्री है नहीं, खुले में घर है, स्कूल है, मतलब खुले में तो बाउंड्री होना पड़ता है। हाँ, नल भी तोड़ जाते हैं, हैंडपम्प भी, और बहुत सी चीज़ें तोड़ जाते हैं, लेकिन उसी में व्यवस्था करके चलाया जाता है।
तो इस समय देख सकते हैं कि आज मैडम मिल ही गई और जानकारी कर लिया है, और क्योंकि नहीं हम लोग भी डेली नहीं आ पाते हैं मैम, क्योंकि हम लोग डेली नहीं आते मैम, लेकिन हम कहाँ आएंगे, आपको भी डेली आएंगे तो डेली डिस्टर्ब होगा, डेली जो है डिस्टर्ब करना। हम सब लोग आते हैं, सारे शिक्षक भी आते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रहती हैं, जो हमारे पास पर्याप्त साधन है उसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं दी जाती हैं, कोशिश की जाती है जो अपनी तरफ से भी वो भी हो, क्योंकि बच्चे ये हम सबके हैं, देश के भविष्य हैं, और इनके लिए ही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे भी आ जाते हैं यहाँ पे। बस अध्यापक थोड़े कम है तो थोड़ा सा रहता है, फिर आएंगे वो भी तो अच्छा व्यवस्था और भी बढ़िया होगा। बच्चे हैं कुछ बच्चे सबसे बहुत अच्छा। अब क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? अमन। खाना खाया, क्या मिला आज? तहरी। तहरी, तहरी देखिए दी, सारे जो है बच्चे तहरी खा रहे हैं। अच्छा तहरी बढ़िया अच्छी बनी थी? दूध मिलता है बेटा? और केले वगैरह जो आता है सब मिलता है? सब मिलता है। अच्छा जो सामने मैम खड़ी हैं वो आती है डेली? रोज आती है। रोज जी। पक्का? पक्का। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? ज्योति। ज्योति किस क्लास में हो? पाँच। पढ़ाई कर लेती हो? पढ़ाई कर लेती हो? क्या क्या अच्छा पढ़ लेती है ये बताओ, क्या क्या पढ़ लेते हो? राधा होती है स्थारणिया। गिनती पढ़ लेती हूँ? हाँ। गिनती आता है पूरा? कितना आता है? 50 तक। 50 तक? वाओ 50 तक आता पक्का? अगर सुनेंगे तो सुना लोगी? 50 तक कॉन्फिडेंस के साथ बता रही है तो वाकई में जो है बच्चे दो में क्या क्या पढ़ लेते हो? मैम जी छोटा बड़ा पढ़ लेते हैं, ABCD पढ़ ले, गिनती पढ़ लेते हैं, ABCD भी पढ़ लेते हो? कविता भी सुना? कविता, कविता कौन सा पढ़ लेते हो? सुना दो। सुनाओ सुनाओ। मैम भी कह रही, देखिए मैम भी कॉपरेट कर रही है इस तरह बच्चों से। सुनाइए कविता, सुनाइए कौन सा कविता याद है? गोल गोल बैंगन बड़े मजेदार। उधर उधर देख के सुनाओ, तेज से बोलो। हाँ तेज बोलो। गोल गोल बैंगन बड़े मजेदार। और आगे गोल गोल बैंगन बड़े मजेदार, गोल गोल बड़े मजेदार, जब मैं उसको तोड़ने बैठी काटे गड़े दो चार की, गोल गोल बैंगन बड़े मजेदार। किसने सिखाया बेटा? मैम जी। मैम जी ने? वाओ वेरी गुड। बच्चा ताली बजाओ इसके लिए। इसके लिए किस क्लास में? दो में। डेली स्कूल आती हो? जी। अच्छा मैम डेली आती है? जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? अब बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और बच्चे ने जो कविता सुनाई वाकई में शानदार है, और सरकारी स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि जितनी गांजर क्षेत्र में विद्यालय हैं वो बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो बहुत ही गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, इसलिए जो है सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए जो है वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा